हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अनंसर के आईटीआई यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। मार्च में आईटीआई का सीबीटी एग्जाम हो रहा था, आईटीआई फर्स्ट ईयर का, तो उसी में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का भी एग्जाम था 17 मार्च को, जो कि आशीष तिवारी का था, जिनका एग्जाम हुआ 17 मार्च को अच्छे से हुआ। तो उन्होंने अपना सारा क्वेश्चन, जो थ्योरी का जितने क्वेश्चन थे, उन्होंने सभी अपने क्वेश्चन भेजे हमको। तो सीबीटी एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 20 जो क्वेश्चन थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के थे, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और जिसमें से 49 क्वेश्चन जो था इनका थ्योरी से था, और 11 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन का था, जबकि वर्कशॉप कैलकुलेशन से 20 क्वेश्चन होने चाहिए थे और थ्योरी से आपके 40 क्वेश्चन। तो इस तरह से इनका क्वेश्चन था, जिन्होंने आप हमको 49 क्वेश्चन हमको भेजे हुए हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको देख के आप भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भारत स्किल वेबसाइट से पूछे जा रहे हैं, भारत स्किल की वेबसाइट से पूछे गए थे, तो वहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एग्जाम का जो मोड था सीबीटी एग्जाम था, और ये मॉर्निंग का था, मॉर्निंग सेशन का, फर्स्ट ईयर का 19-21 का। तो इसके बिहार पर आप ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सा डिवाइस है, यानी कौन सी युक्ति है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो वो है फोटोवोल्टिक सेल। और आपने अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नहीं देखा है क्वेश्चन और पेपर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाए, देख लीजिएगा। और वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी अपलोड हुआ, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स, सेकेंडरी सेल जो सेल किस नियम पे कार्य करता है, तो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत अवघट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है, वो है m = ZIT gm। एग्जाम का जो पेपर था आपको 2 लैंग्वेज में था, एक इंग्लिश में था और हिंदी में था, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी इंग्लिश और हिंदी में लिए हुए हैं। और देखिए, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, वो है एम्पियर आवर। क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत आवेश की क्या इकाई है, कूलाम है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई होती है कूलाम। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल, लिथियम सेल का जो आउटपुट होता है निर्गत वोल्टेज कितना होता है, 2.5 वोल्ट होता है, कितना होता है 2.5। कम समय में उच्च दर की बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है, बूस्ट चार्ज की हम मेथड यूज करते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हाई रेट, वो है बूस्ट चार्ज जो हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के विद्युत अवघटन प्रथम नियम का सूत्र क्या है, तो m = ZIT। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, अब इस सर्किट आपको देख रहा है, यहाँ पे सर्किट जो है इसका टोटल वोल्टेज बताना है, कुल वोल्टेज कितना है 1.5, यहाँ पे देखें 1.5 है, 1.5 दिख नहीं रहा लेकिन ये 1.5 है, और ये 1.5 है जिसका जो टोटल वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। देखते हैं, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कैथोड इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है, वो है जिंक। व्हाट इज द ईसी यानी कि इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, चांदी का विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, होता है 1.1182 mg प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हिच अपरेटस इज यूज्ड टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी, तो बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का हम उपयोग करते हैं, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। Which part is losing electron during electrolysis? Electrolysis के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो है एनोड। कौन सा हिस्सा एनोड का। What is the type of fuse? किस तरह का फ्यूज है, कौन सा प्रकार है, फ्यूज दिख रहा है, ये फ्यूज है, ये किस प्रकार का फ्यूज है, तो ये हाई रिपीटिंग कैपेसिटी फ्यूज है, हाई रेपिटरिंग कैपेसिटी फ्यूज है ये, ठीक है।
देखिए वायरिंग परिपथ प्रतीक का नाम क्या है, एक वायरिंग में यूज करने वाला सिंबल है, तो इसका यूज करते हैं, तो इसका क्या नाम है, प्लग एंड सॉकेट। ठीक है, ये सिंबल से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल सिंबल से, इस सिंबल का नाम है प्लग एंड सॉकेट। व्हाट इज द नेम ऑफ कंडक्ट एसेसरी, ये जो कंडक्ट सामग्री है इसका क्या नाम है, इसका नाम है इंस्पेक्शन बैंड। ज्यादातर इमेजेस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है, ये जो उपकरण दिख रहा है आपको इसका क्या नाम है, इसका नाम है आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी सिंबल, ये जो एसेसरी ये सिंबल है इसका क्या नाम है, इस प्रतीक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस आरेख का क्या नाम है, ये आपको दिख रहा है इसका क्या नाम है, इसका नाम है इंस्टॉलेशन प्लान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 20, ईएलसीबी का क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य होता है मॉनिटर द रेसिड्यूल्स करंट, और शेष धारा को देखना काम होता है ईएलसीबी का। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर बीआईएस, यानी कि बीआईएस के अनुसार जो एकल चरण घरेलू वायरिंग होता है उसे तांबा अर्थ निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है, न्यूनतम आकार होता है 1.5 स्क्वायर mm। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला बताना है ऑफ एन एसी सिंगल फेज वायरिंग सर्किट, वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है, तो वह है वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आईआर वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आईआर वोल्ट। क्वेश्चन 23 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल लोड फॉर ए पावर सब सर्किट एज पर आईई रूल्स, आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है, 3000 वाट होता है अधिकतम अनुमेय भार, मैक्सिमम परमिसेबल लोड होता है 3000 वाट। 24 देखिए, व्हिच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज इलस्ट्रेटेड, जो दिख रहा है इसमें प्रतिमा की कौन सी विधि दिखाई गई है, तो वो है फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल दिखाई गई है, फॉल ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज द मेजर रीडिंग इन द डेड शॉर्ट वायरिंग, डेड शॉर्ट वायरिंग में क्या कितना मेजर होता है, वो होता है 0 ohm होता है डेड शॉर्ट में, डेड शॉर्ट वायरिंग हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसका जो ओम होता है 0 ohm होता है। 26 देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग का क्या उद्देश्य, क्या फायदा क्या है क्रिम्पिंग का, अवॉइड लूज कनेक्शन, नजरअंदाज करता है, जो लूज कनेक्शन होता है उसको नजरअंदाज करता है क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग क्या करता है, इसका फायदा होता है इसको लगाने से जो भी लूज कनेक्शन होता है उसको अवॉइड कर देता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो होता है कैंडला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या एसआई यूनिट होता है कैंडला। व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प, तो फिलामेंट लैम्प का वर्किंग जो टेम्परेचर होता है 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ मीटर, इस मीटर का क्या नाम है, जो मीटर आपको दिख रहा है इसका नाम है डीसी मल्टी रेंज वोल्टमीटर, डीसी मल्टी रेंज वोल्टमीटर। विच टाइप ऑफ वाटमीटर, ये किस तरह का वाटमीटर आपको दिख रहा है, ये है आपका टू एलिमेंट थ्री फेज वाटमीटर, टू एलिमेंट थ्री फेज वाटमीटर। 31 देखिए, विद्युत स्त्री का के भाग का नाम क्या है, ये एक आयरन का भाग है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका सोल प्लेट, नाम है सोल प्लेट। व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, ये सेफ्टी साइन का नाम है आपका इंफॉर्मेशन साइन है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन साइन। निम्न में से भौतिक हानि क्या हो, इनमें स्मोकिंग है, वाइब्रेशन है, करप्शिव है, रेडियो एक्टिव है, इसमें वाइब्रेशन जो आपका फिजिकल हैजर्ड होता है, फिजिकल हैजर्ड होता है वाइब्रेशन। विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स, हुक्स बनाने में कौन सा काम करता है, कौन सा प्लायर का यूज हम करते हैं हुक बनाने में, तो है राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर का यूज करते हैं हम हुक्स और लूप्स बनाने में। 35 देखिए,
पिंसर का उपयोग क्या है? पिंसर का उपयोग करते हैं एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल फ्रॉम द वुड। लकड़ी में कांटी लगा होता है तो कांटी को निकालने का कार्य करता है पिंसर। पिंसर एक प्लायर होता है, प्लायर की तरह होता है, ये देख सकते हैं ये है। इसका हम यूज करके हम क्या करते हैं, लकड़ी में से कांटी वोटी निकालते हैं। तो देखिए मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पीछे भाग का रंग क्या होता है, जो भाग कहीं पे देखिए कोई वार्निंग साइन होता है उसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर होता है आपका येल्लो, ये येल्लो कलर होता है बैकग्राउंड कलर, तो होता है येल्लो। रोड पर जो होता है संकेत उसमें ग्रीन कलर का बनाया जाता है, ग्रीन कलर। तो यहाँ पे जो मूल श्रेणी में जो संकेतक चिन्ह के रूप में पीछे भाग का रंग होता है येल्लो, बैकग्राउंड कलर होता है येल्लो। इस औजार का क्या उपयोग होता है, ये जो औजार आपको दिख रहा है इसका हम यूज कब करते हैं, इसका हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्टिंग नेल फ्रॉम द वुड। हम लकड़ी में से क्या निकालते हैं, कांटी ओटी निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ गेज, इस गेज का क्या उपयोग है, इस गेज का उपयोग है चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, किसी भी जॉब के इंटरनल अंदर के रेडियस को चेक करने का ये काम करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का क्या नाम है, आपको जो फाइल दिख रहा है ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है रास्प कट रेती, यानी रास्प कट फाइल, रास्प कट रेती। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, ड्रिल बिट का नाम क्या है, ये जो ड्रिल बिट है इसका नाम है टैपर सैंग, टैपर सैंग बाइट इसका नाम है। विच फाइल इज यूज फॉर शार्पिंग द बंट टीथ ऑफ द टेनन्स, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रायंगुलर फाइल का यूज करते हैं, कि क्या चीज का यूज करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल का, उसका दांत को क्या करना, तेज करने के लिए रेती जो यूज करते हैं ट्रायंगुलर फाइल होता है। अब देखिए ये जो रेती दिख रहा है ये इस पर जो एक्स दिख रहा है इसका इसके भाग का नाम बताना है, इसको क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, हील बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, हिल। अब देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट, ये जो वायर ज्वाइंट है इसका क्या नाम है, इसका नाम है नॉटेड टेप ज्वाइंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल, यहां पर ये दिख रहा है इसका क्या नाम है, इसका नाम पूछा जा रहा है, इसका नाम है बेडिंग, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे एक्स गायब हो गया है फोटो की जगह पे, इसका नाम है बेडिंग, क्या नाम है, बेडिंग बोलते हैं इसको। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है, माइक्रोमीटर जो दिख रहा है इसमें इसका पाठ्यांक मतलब रीडिंग क्या है, इसका रीडिंग है 4.55 mm। व्हाट इज द करेंट कैपेसिटी ऑफ 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉजेज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, देखिए 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है, यदि वह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संचित करता है तो वो तो होगा 13 एम्पियर होगा, क्या होगा, 16 एम्पियर हो जाए 13 एम्पियर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का मात्रक क्या होता है, बिजली की मात्रा की इकाई होती है कूलाम, जो कि हमने ऊपर भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, ये सोल्डरिंग मेथड यूज हो रहा है इसका बोलते हैं सोल्डरिंग गन, क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग गन। Which one define the change in resistance in ohm per degree centigrade? तो temperature coefficient जो हमारा ohm प्रति degree centigrade में प्रतिरोध के परिवर्तन में हमारा use होता है temperature coefficient, यही परिभाषित करता है। तो 49 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एग्जाम जो होता है आपका दो लैंग्वेजेस में होता है, एक हिंदी में भी होता है और इंग्लिश लैंग्वेजेस में होता है, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते हैं, ये क्वेश्चन जो था आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस था। तो अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए बेहतर तरीके से, भारत स्किल पे आपको जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही आपको अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका पता चले और वो भी तैयारी कर पाए। और इसी साथ अगले वीडियो में मिलते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का, और इस तरह से हम बहुत से वीडियो जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हम बनाएंगे, और आपको भी आप इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें शेयर कर सकते हैं अनिल सर ITI@gmail.com पे, और इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।